हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास वायर का 100 प्लस 100 वाट में बोर्ड है। फ्रेंड्स, इसमें जो टीपी 3116 D2 आईसी है वो डबल आईसी इसमें लगी हुई है, जो दोनों ब्रिज मोड में हमारी वर्क करती है। ये हमें पर चैनल 100 वाट की आउटपुट यहां पे देता है। तो फ्रेंड्स, इसका हमने स्टीरियो एम्पलीफायर बनाया था इस बेस ट्रबल में। ये दो हैं फ्रेंड्स, फिलहाल ये दोनों जुड़े हुए हैं इस बेस ट्रबल में, हम इसे चला चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इससे अलग हमारे पास दो बेस ट्रबल और यहाँ पे हैं। LM324 में बेस ट्रबल हमारे पास और भी हैं, बट ये दोनों बोर्ड LM324 में नहीं है। ये हमारे पास 4 ट्रांजिस्टर में बोर्ड है, ये आप देख सकते हो। और जो इसकी कॉस्ट है, ये इस वाले बोर्ड से यहाँ लगभग डबल प्राइस में हमें पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये वाला भी हमें इससे डबल प्राइस के लगभग पड़ता है। ये हमारा TL074 में है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सेम बोर्ड में सेम सामान लगा के हम सिर्फ यहां पे ये चेक करेंगे कि इसकी आउटपुट इस वाले बेस ट्रबल से इस बोर्ड में अच्छी आएगी या फिर इसकी आउटपुट अच्छी आएगी। इन तीनों बेस ट्रबल बोर्ड में किसकी आउटपुट हमें इस बोर्ड पे अच्छी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसका हम स्टीरियो बना चुके हैं, ये बोर्ड मैं काफी यूज कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड इस बोर्ड में यूज करेंगे। आज तक मैंने भी ये इस बोर्ड में क्लास डी बोर्ड में 4 ट्रांजिस्टर में बेस ट्रबल बोर्ड यूज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसे यहाँ पे एक बार यूज करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम TL074 को यूज करके देखेंगे। लाल मैंने साइड में कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, हम कोई एम्प नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इसकी साउंड टेस्ट यहां पे इस बेस ट्रबल के द्वारा करेंगे कि इसमें इस बेस ट्रबल के लगाने के बाद जो साउंड बनती है वो हमारे LM324 से अच्छी बनती है या नहीं, क्योंकि ये बोर्ड उससे कॉस्टली है फ्रेंड्स। है 4 ट्रांजिस्टर में, बट जो इसके कंपोनेंट है वो अच्छी क्वालिटी के हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे जो इसके टोन है वो हमने लगा लिए है, ये थोड़े एडजस्ट करके मैंने यहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि जो इसके होल हैं वो थोड़ी साइड में है, बट फिर भी थोड़ी पिन मोड के टोन की ये हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। और हो सकता है शायद उल्टी साइड वर्क करे, ये हमें चलने के बाद ही पता लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ये बेस का टोन है, ये हमारा ट्रबल का टोन है, और यहाँ पे इसमें हमारी 12 वोल्ट जाएगी फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस 12 वोल्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसमें हमारी जो आउटपुट है वो जाएगी जो हमारे बोर्ड में जाएगी, और यहाँ पे इसमें हमारी इनपुट आ जाएगी जो हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ब्लूटूथ मॉड्यूल हम इसमें पगारिया का ही यूज करेंगे, क्योंकि सेम ब्लूटूथ हमने LM324 वाले बोर्ड में यूज किया था। साउंड का पता जब ही लगेगा जब हम सारी चीज बाकी सेम रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिलहाल मैं इसे 5 वोल्ट अलग से ही चलाऊंगा, इसे हम बैटरी से ऑपरेट यहाँ पे कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें एक बार इसके यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसके कनेक्शन सभी जैक से करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये वायर जो है वो हमारी एम्पलीफायर बोर्ड में लगेगी, जो हमारा क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड है। तो मतलब ये हमारी यहाँ पे बेस ट्रबल बोर्ड में हम इसे आउटपुट पे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ब्लैक वायर है बीच में, ये हमारी ग्राउंड हो जाएगी। ग्राउंड हम यहीं पे लगा देंगे जहां पे हम इसमें माइनस देंगे। और बाकी की जो दो वायर है वो हम आउटपुट में यहां से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी आउटपुट की वायर इसमें लग चुकी है। अब ब्लूटूथ की इनपुट के लिए भी हम एक वायर ले लेंगे। तो ब्लू वायर हम यहाँ पे साइड में लगा देंगे, वही प्रिंट है जहां पे हम नेगेटिव देंगे, ये घूम के यहीं आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी इनपुट और आउटपुट की जो वायर है वो लग चुकी है। अब हम इसमें एक बार 12 वोल्ट की वायर और लगा लेंगे, और 12 वोल्ट हम इसी के थ्रू यहाँ पे लगा लेंगे। डायरेक्ट हम इसी को यहाँ पे
12 वोल्ट में ही शोल्डरिंग कर देंगे जो हम बोर्ड में लेंगे, और यहीं से हम दूसरी वायर के थ्रू 12 वोल्ट यहाँ पे दे देंगे। की वायर है ये, यह हम यहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे हमारी 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और जो दूसरी वायर है वो हम इसकी नेगेटिव में लगा देंगे। ये हमारा साइड वाला प्रिंट पूरा नेगेटिव का है। अब हम बैटरी के लिए यहाँ पे एक वायर लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बैटरी की जो वायर है वो भी लग चुकी है। और ये वायर हमारी इसकी आउटपुट में चली जाएगी। यहाँ से जो हमारे कनेक्शन है वो हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये वायर हमारी बैटरी की हो जाएगी, ये हमारी इसकी आउटपुट में यहाँ पे लग गई। और फ्रेंड्स ये वायर हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल में लग जाएगी। यहाँ पे हम 5 वोल्ट बैटरी से देंगे। अब हम एक बार इसकी जो स्पीकर की वायर हमने निकाली है, स्पीकर की वायर को हम एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्पीकर की वायर के लिए मैंने इनमें ये स्पीकर सॉकेट यहाँ पे लगा लिए। हम इनको भी एक बार यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम एक बार पहले ब्लूटूथ ऑन करके इसे कनेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो ये हमारा ऑन हो चुका है। एम्पलीफायर की हमने वायर नहीं लगाई है, ये हमने फिलहाल बैटरी से यहाँ पे ऑन किया है। एक बार मैं इसे कनेक्ट करके इसमें NCS म्यूजिक प्ले कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने NCS म्यूजिक जो है वो प्ले कर लिया है। साउंड हम यहीं से कम कर लेंगे क्योंकि इसमें हमने पोटेंशियोमीटर वॉल्यूम वाला अभी नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स हम इसे फिलहाल 12 ही वोल्ट पे ऑपरेट करने वाले हैं। हम इसके 12 वोल्ट के कनेक्शन भी एक बार यहाँ पे कर देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको शायद साउंड आ गई होगी, जो आवाज है वो इसमें आ चुकी है। एक बार हम आवाज थोड़ी बढ़ा के यहाँ पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो साउंड आई है, साउंड तो इस पे फिलहाल अच्छी आई है। अगर हम इसे एक बार 24 वोल्ट पे चला के देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं इसे फ्रेंड्स एक बार 24 वोल्ट पे यहाँ पे चला के देखने वाला हूँ। मैं एक बैटरी और यहाँ पे सीरीज में करके लगा के फिर इसे एक बार दोबारा प्ले करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसके जो 24 वोल्ट के कनेक्शन है वो कर लिए, ये आप देख सकते हो। ये हमारी पहली बैटरी की नेगेटिव यहाँ पे लगी हुई है, और ये जो दूसरी बैटरी से ये वाली वायर हमारी आई है उसकी पॉजिटिव मैंने दूसरी बैटरी की नेगेटिव पे लगाई है, और ये हमारी दूसरी बैटरी की पॉजिटिव है जिस पे हमने इस बोर्ड की पॉजिटिव दे दी है। तो फ्रेंड्स ये सारे बोर्ड जितने भी ये हमारे बोर्ड होते हैं यहाँ पे 1K की रेजिस्टेंस है, ये 24 वोल्ट से ऑपरेट हो जाते हैं। कोई इनमें दिक्कत इतनी नहीं आती, ना ही कोई ट्रांजिस्टर यहाँ पे कोई हीटिंग फिलहाल है क्योंकि यहाँ पे 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये आप 12 की जगह 24 पे यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम इस पे एक बार सॉन्ग प्ले करके यहाँ पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे इसकी आवाज़ जो हमारा ये LM324 का बोर्ड है इससे बेस्ट मुझे इस पे इसकी साउंड यहाँ पे लगी है।
क्योंकि 24 वोल्ट पे जब हमने चलाया, क्योंकि उसे भी मैंने 24 वोल्ट पे चलाया था, बट उससे ज़्यादा जो अच्छी साउंड क्वालिटी हमें लगी है वो इसमें लगी है। फ़र्क थोड़ा ही है, ऐसी बात नहीं है कि इसकी साउंड अच्छी नहीं है, फ़र्क थोड़ा ही है, बट इसके मुकाबले मुझे इसकी जो साउंड क्वालिटी है यहाँ पे अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स फिलहाल ही हमारा 24 वोल्ट पे चल रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार TL074 का जो हमारा बोर्ड है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में यूज करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सभी भाइयों को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।